सवाल, रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ समझिए। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी लोहे में जंग लगे हुए जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, क्या आप उस लोहे को पहले की तरह कर सकते हैं? नहीं, जिस लोहे में जंग लग चुका है वो पुनः पहले की तरह नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जब आप दूध से दही बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम चाह कर भी पहले की तरह दही से दूध नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसे हम पहले की अवस्था या रूप में बदल नहीं सकते या नहीं ला सकते। जैसे अलमारी में जंग लगना, जल में विद्युत धारा का गुजरना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, कागज और लकड़ी का जलना। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, किताब के द्वारा दिए गए जवाब को भी देख लेते हैं। जवाब, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित यानी डीकम्पोज होकर उसका गुण और वैशिष्ट्य बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज कहते हैं। अलमारी में जंग लगना, जल में विद्युत धारा का गुजरना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, कागज और लकड़ी का जलना इत्यादि, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, पूरी वीडियो देखने और समझने के लिए धन्यवाद।